नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर खुद से चैलेंज लेना आप लोगों को सीखना होगा खुद से चुनौती लेनी पड़ेगी जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में जिएंगे तब तक आप वो नहीं कर सकते वो नहीं पा सकते जिसका सपना आप लोगों ने देखा है केवल उसके बारे में सोच सकते हैं कि यार उसने वो काम किया था मैं भी वैसा करना चाहता हूं लेकिन नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा उस व्यक्ति ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा वो अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकला आपको भी निकलना पड़ेगा अगर वैसा करना है जो आपने सोचा है अगर वैसा करना है तो आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कि मुझे केवल और केवल आठ घंटे पढ़ना है या छह घंटे पढ़ना है एग्जाम नजदीक है अब अपने आप को उस आरामदायक जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए क्योंकि आप फिर वैसे ही बन जाएंगे जैसा आप अभी हैं क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा एक्स्ट्रा इफर्ट डालने पड़ेंगे इसीलिए याद रखिए कि जिस सिनेरियो के अंदर आप लोग जी रहे हैं उस सिनेरियो को चैलेंज कीजिए कि नहीं इससे और बेहतर मैं कर सकता हूं इससे अच्छा मैं कर सकता हूं तो खुद से चैलेंज लेना जो है वो सीख जाइए याद रखिए कि आप लोगों ने जो पास्ट के अंदर भूतकाल में जो निर्णय लिए थे उसका परिणाम आपको वर्तमान में मिल रहा है क्या आप अपने वर्तमान से खुश हैं अगर हां तो फिर आरामदायक जिंदगी में दीजिए आराम से मस्त होके जिए लेकिन याद रखिए इससे भी आप लोग ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे आप लोगों ने जो भूतकाल में निर्णय लिए थे उसका वर्तमान आज है अगर सेटिस्फाई नहीं है बदलना चाहते हैं वर्तमान को तो आज वर्तमान में आप लोग डिसीजन लीजिए और अपने फ्यूचर को बदलिए क्योंकि कहते हैं कि इंसान जो है वो अपने डिसीजन से बनता है इसलिए बेहतर डिसीजन आपको बेहतर इंसान बनाएंगे जिस सफलता को आप लोग छूना चाहते हैं जिस सफलता के बारे में आप लोग सोचते हैं वो आपके डिसीजन से बनेगी और डिसीजन ये होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए बहुत सारे विद्यार्थी के फोन आते हैं कि सर मैं जो है वो तीन घंटे सुबह तीन घंटे दोपहर तीन घंटे शाम को क्या एग्जाम निकल जाएगा अब घंटों को गिनना छोड़ दीजिए अब आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा खुद से चुनौती लीजिए कोई चीज याद नहीं हो रही तो उसको दस बार लिखिए पेपर के ऊपर तब जाकर वो चीज याद हो पाएगी आप लोग यह मत सोचिए कि एग्जाम नहीं निकलेगा अगर आप लोगों ने एक बार भी यह सोच लिया तो अपनी नाकामयाबी जो है उसको आप लोग छिपा रहे हैं अगर आप लोग वाकई में सफलता अर्जित करना चाहते हैं कुछ सीखना चाहते हैं तो आज डिसीजन लीजिए कि मुझे आज से इसी क्षण से जो है वो अपनी मेहनत को दुगना कर देना है कोई चाहे कुछ भी कहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना कहे लेकिन आप अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेंगे अगर आप लोगों ने एक पल भी यह सोचा कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा जिस समय ये सोचा आप लोगों ने ये सम, समझ लीजिए कि आपने अपनी मंजिल के ऊपर अपने टारगेट के ऊपर संदेह करना शुरू कर दिया है जब ये डाउट आपको हो जाएगा तो आप सफलता तक पहुंच नहीं पाएंगे इसीलिए अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलिए कुछ अगर एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा ठीक है तो चलिए वादा करते हैं आप लोग मुझसे आप लोग इस एग्जाम में सफल हो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है डेली आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो जो है मैं लाता रहूंगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को एक कैसा लगा अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं तब तक तो चलिए तो धन्यवाद थैंक यू जय हिंद